गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बजगेड़ा SHO द्वारा ग्रामीणों के साथ की गई बदतमीजी। मामले में ग्रामीणों ने आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास प्रदर्शन किया और SHO के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के बाद पुलिस कमिश्नर से ग्रामीणों की मुलाकात हुई, जिसमें 10 दिन का वक्त मांगा गया है और 10 दिन के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 15 सदस्यीय कमेटी हमारी बनी थी, जो इस इलाके के मौजूद लोग थे, जिसके अंदर पंच थे, सरपंच थे, मेंबर थे, नंबरदार थे और कुछ संगठनों के अधिक वे भी थे, प्रधान भी थे। सारे मिलके कमिश्नर साहब के पास गए थे। कमिश्नर साहब ने बोला है अब भाई ये जो मामला है इसको आपने जो बताया है सारे पेपर लेके ने सुन के ने पूरी अच्छी तरह से बात सुन के उन्होंने कहा है भाई मैं इसकी हमारी डिमांड ये थी कि इसको सस्पेंड करो, सबसे पहले जांच कराने से पहले इसको यहाँ से ट्रांसफर करो। वो कहने लगे भाई ऐसा है मैं इसको सस्पेंड ही कराऊंगा, 10 दिन का मुझे समय दे दो, मैं इसकी CCTV की और जो आपने जो बोला है मैं सारी इसकी टोटल की टोटल जांच करा के ना और उसके बाद फिर मैं कार्रवाई करूँगा। मैं भतेरी शर्मा है, मेरे गाँव की जो विधवा है उसके साथ वो मेरे पास आई थी। उसने कहा जी मेरे साथ मैं थाने के अंदर गई थी और थाने में जाने के बाद मेरी एप्लीकेशन मेरे कुछ लोग जो उसके ऊपर कुछ लोग जो है मेरी ज़मीन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, मेरी दीवार को तोड़ने लग रहे थे और मैं उसके पेपर एप्लीकेशन देने के लिए गई थी। वहाँ मेरी एप्लीकेशन किसे मैंने उनको बोला था मैं आपके साथ चलूंगा, कोई बात नहीं, जो कागज पत्र है उनको लेके जाऊंगा। कि मैं उनके SHO पास गया था, SHO से जाके जब बातचीत करी उसके कागज पत्र लेके मैं उनको पूरी तरह से समझाना शुरू किया जी इसकी दादालाई जमीन थी, इतने गज की जमीन थी, इन्हें इतनी जमीन बेची है, ये इसके कागज हैं, इसके मोटेशन है, सारे कागज दिखाए थे। लेकिन उसके बाद जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उनके वो बोले तू मेरे से आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, और उसने गुस्से में आके ने मेरे बाल पकड़ लिए। इसलिए हम सारे के सारे लोग पहले थाने में भी धरना दिया था और आज यहाँ पे प्रदर्शन के लिए भी आए थे, जिसपे कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है मैं इस बात की पूरी जांच करा के आगे कार्रवाई। फिर इसके बाद जैसे ये 10 दिन का समय दिया है, 10 दिन में अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद जो हमारे सामाजिक संगठन जो हमारे साथ 15 आदमी की जो कमेटी गई थी इनके साथ बैठ के ने अगली रणनीति तय करके ने और फिर अगली कार्रवाई करें। मेरा नाम सतपाल है, गांव गाड़ोली है मेरा और मैं यहाँ भाई बीर सिंह बीरू सरपंच जो पूरे इलाके से हजारों महिलाएं और नौजवान साथी बुजुर्ग आए हैं उनके समर्थन में जो पुलिस की गुंडागर्दी हो रही है, जो SHO जो बजगेड़ा है राजीव वर्मा जी उन्होंने जो है भाई बीर सिंह जी के साथ दुर्व्यवहार किया, वो दुर्व्यवहार एक भतेरी देवी जी है उसके प्लाट को लेकर के हुआ, जो है SHO जो है दूसरे पक्ष से मिलकर के प्लॉट पे कब्जा करवा रहा है। और मैं SHO साहब से भी कहना चाहता हूं, अभी ये ऐलान भी हुआ है कि हम तब तक नहीं उठेंगे यहां तक जब तक यहां पे कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, या तो SHO को बर्खास्त किया नहीं जाता या उसको बदला नहीं जाता, तब तक हम बता देना चाहते हैं कि हमारा धरना जारी रहेगा और जैसे लगातार हमारे साथी हमारे नौजवान साथी बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे, हम स्थायी रूप से धरना देंगे। यहाँ पर हमने एक धरना और दिया था शनिवार को जिसमें ACP साहब आए थे, तो ACP साहब शर्मा जी उन्होंने आश्वासन दिया था कि प्लॉट पर जो है किसी प्रकार की कोई भी चुनाई नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा और मैं यहाँ कार्रवाई करूंगा। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद आज किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि न्याय मिले भतेरी देवी जी को, जब तक आंदोलन जो है चलता रहेगा हमारा, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं।